हाय दोस्तों, वेलकम टू पंकज इलेक्ट्रॉनिक। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। दोस्तों आज हमारे पास में 32 इंची सैमसंग का एलईडी टीवी आया है और इसमें देख रहे हैं आप पैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। देख सकते हैं दोस्तों पिक्चर में कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। आपको डबल डबल परछाई देखने को मिल रही होगी स्क्रीन में। आपको डबल डबल परछाई देखने को मिल रही है। इस टीवी में कलर्स लाइनिंग आ रही है और जो कि ये कलर्स लाइनिंग नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है दोस्तों। स्क्रीन पे कलर भी एबनॉर्मल आ रहे हैं, साथ ही साथ डबल इमेज का प्रॉब्लम भी शो हो रहा है। और इसमें नीचे से ऊपर की ओर, ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बेल्ट जा रहे हैं और पिक्चर एबनॉर्मल तरीके से दिख रही है। इस प्रॉब्लम को डबल इमेज का प्रॉब्लम बोला जाता है। फ्लिकरिंग का भी प्रॉब्लम बोल सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि जंप कर रही है। शेड देख सकते हैं, स्प्लिटिंग हो रही है पिक्चर में। इतना तो हमको समझ में आ चुका है कि ये पैनल का प्रॉब्लम है। टीवी को पलटाते हैं दोस्तों, सैमसंग का 32 इंची एलईडी टीवी है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे हम दूर करेंगे वो देखते हैं। पैनल नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, C320ANO2S4LVO.1 version 1। ये भी सिंगल कोप पैनल है दोस्तों। बूस्टिंग बन रही है तभी पिक्चर बन रही है, ये भी हमको पता है। AVDD, VGL, VGH, VON वोल्टेज दिया है दोस्तों। यहाँ पे टेस्ट पॉइंट पे VON लिखा हुआ है। VON का मतलब VGH होता है। AVDD, HAVDD, VCOM हमको सीधा सीधा मालूम है। इसके CKV लाइनें ही कटिंग करना है। हम सिर्फ चेक करेंगे कि कौन सा साइड से प्रॉब्लम है, एक बार हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 टेस्ट पॉइंट देखने को मिल रहे हैं आपको, 1, 2, 3 और 4, 4 पॉइंट दिख रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद में वहां पे नाम भी लिखा हुआ है, VCOM, CKV1, CKV B2 और चौथे का भी नाम होगा ही। उसके बाद में ये डायवर्ट के पास में देख सकते हैं आप कितने टेस्ट पॉइंट बने हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे इसके डिटेल्स दिए हैं टेस्ट पॉइंट के, VCOM, CKV2, CKV B2, STVP और VCST। तो दोस्तों हमको सबसे पहले इस पैनल में जो काम करना है, मीटर लगा के चेक करना है कि किस साइड से शॉर्टिंग है, कितने ओम्स की शॉर्टिंग है। अगर हमको वो समझ में आ जाए तो हम इसकी ट्रैके कट करेंगे। पैनल का स्ट्रक्चर तो आपको पता है, दोनों साइड से हमारी CKV लाइनें जाती है और ये CKV लाइनें आपस में शॉर्ट होती है। मैं वो अभी आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, मैं से कौन से आपस में जुड़े हुए हैं वो भी मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा दोस्तों, ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में हम इसकी ट्रैकों को कट करेंगे। सबसे पहले मीटर से टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया है हमारे पैनल के जो स्केलर PCP है। ये हमारा पैनल नंबर है, ये भी लिख दिया है मैंने, कौन सी ट्रैक का कौन सा टेस्ट पॉइंट है ये भी मैंने लिख दिया है। जैसे ये VCOM, L, CKV2, CKV B2, STVP, VST, VSS, CKV B1, CKV1 और VCOM R। तो दोस्तों अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये PCP के अंदर में ही 3 से 4 लहर की PCP होती है, उसी के अंदर में ये ट्रैक है आपस में ज्वाइन होती है। ये दो भाग अलग अलग है दोस्तों, ये यहां से अलग अलग है। ये हमारा राइट साइड और ये हमारा लेफ्ट साइड। इधर की हमने 4 प्रिंट को लिया है, इधर की हमने, वैसे तो प्रिंट है बहुत है उसमें, लेकिन हमारी जो काम की प्रिंट है मैं बस उसी पे डिस्कस बता रहा हूँ कि हमारी CKV लाइनों को कैसे ब्लॉक करना है और कौन सी ट्रैक कहाँ पे है। तो आपको कंटिन्यूटी से मिल जाएगा, आप अगर चेक करोगे तो कंटिन्यूटी 100% मिलेंगे आप। तो जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रैक है देखिए, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, इधर भी वैसी है, बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी। तो हमारे को कंटिन्यूटी कैसे मिलती है, जैसे अभी ये मान लीजिए ये बड़ी ट्रैक है, ये PCP में से होते हुए सीधा, मैं लंबा ले रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, ये PCP के अंदर से ही होती है।
मैं लंबा इसलिए ले रहा हूं कि कहीं हमारी ट्रकें आपस में शॉर्टिंग ना दिखे। ये दोनों ट्रैक दिख रही है आपको, ग्लास के अंदर जा रहे हैं, ये यहां से निकल के सीधा ये आपस में जुड़ी है। मैंने नीचे निकाला हूं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये स्केलर पीसी के अंदर में ट्रैक है, आपस में है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट है टनल साइड का, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया। तो ये हमारी ट्रैक, पहली ट्रैक आपस में कंटिन्यूटी मिल गई आपको। अब दूसरी जो ट्रैक है CKV1, हमारी डीसी टू डीसी आईसी इस साइड है, तो हमारे सिग्नल फर्स्टली राइट हैंड साइड से आ रहे हैं और हमारी डीसी टू डीसी भी राइट हैंड साइड है इस कलर पीसीपी में। तो हमारे जो सिग्नल जाएंगे अब यहां से आ गई है CKV1, ये वाली जो बड़ी प्रिंट है जिसपे लिखा हुआ है, ये प्रिंट यहां से आके ऐसे, ये जो छोटी वाली प्रिंट है इसके साथ कनेक्ट है। फिर हमारी CKV, देखिए एक बड़ी और एक छोटी आपस में कनेक्टिंग है। अब हमारी आती है CKV2, हमने CKV1 लिया, CKV1 को हमने इससे कनेक्ट किया। अब CKV2 ये यहां से दो ट्रैक पैनल के अंदर जा रही है, तो ये वाली जो CKV2 है अब ये यहां से कंटिन्यूटी मिलेंगी हमको। तो ये छोटी वाली ट्रैक में चले गई, ठीक है, आपस में सब यही है, बड़े आसानी से समझ में आएगा आपको। उसके बाद में आती है CKV B1, ये ट्रैक यहां से आई तो ये छोटी वाली ट्रैक में चले गई। उसके बाद में हमारी CKV B2, इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड से हमारी CKV B2 आई और इधर से होते हुए ये छोटे ट्रैक में चले गई। वैसे ही VSS, ये ट्रैक इधर से आई तो ये इसमें चले गई, ठीक है दोस्तों। ये इतनी है। अब हमको इस पैनल में जो डबल इमेज एबनॉर्मल पिक्चर फ्लिकरिंग का जो प्रॉब्लम है, तो हमको कौन सी कितनी ट्रैक है कट करना पड़ा। तो देखिए हमारी मेन वही होती है CKV1, CKV B2, सॉरी CKV B1, CKV2 एंड CKV B2, एक दो तीन और ये चार। तो ये चारों ट्रैक कहां से आई है, यहां पे। तो देखिए लाइन से हमारी ट्रैकें हैं, कौन कौन सी लाइनें को कट किया हमने जो पिक्चर बनाने के लिए, CKV1, फिर ये जो आई है CKV2, CKV B1 और CKV B2, हमने ये चारों ट्रैकों को कट कर दिया। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे को चार ट्रैकों को हमने कट किया, वो कौन कौन सी, CKV1, CKV2, CKV B1 और CKV B2, ये चारों ट्रैकों को कट कर दिया, पिक्चर एकदम नॉर्मल हो गया दोस्तों, डबल इमेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कोई भी इशू नहीं रहा टीवी में, एकदम बढ़िया तरीके से टीवी वर्किंग करने लग गया है। और एक्सेस ट्रैकों को हमको कट नहीं करना है, हमारा चार ट्रैकों को कट करके हमारा काम बन गया। अब आपको मैं थोड़ा सा एक और नॉलेज दे देता हूँ इसी वीडियो में, ये ट्रैक कैसे जाती है आगे, तो बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा दोस्तों। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की ट्रैक है, मान लीजिए ये हमारा ग्लास है, तो ये ऐसे चले गई, उसके बाद में ये ट्रैक ऊपर से ऐसे चले गई, उसके बाद में ये वाली CKV2 की लाइनें लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे चली गई, उसके बाद में ये ट्रैक ऐसे चले गई। तो जितनी भी ट्रैकें हैं दोस्तों, ये तो काफी दूर दूर दिखा रहा हूं, लेकिन ये बहुत पास से जाती है ग्लास में, ये तो हमारी चार पांच ट्रैकों को मैं दिखा रहा हूं। तो मान लीजिए ये लेफ्ट हैंड साइड की ट्रैक है, ग्लास में ऐसे फ्लो होती है और यहां से हमारे CKV लाइनें वोल्टेजेस फ्लो होती है, ये कौन सा साइड हो गया दोस्तों, लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड में भी
इसी प्रकार से पैनल का जो स्ट्रक्चर होता है, ये पहली ट्रैक चले गई, उसके बाद में ये दूसरी चली गई, तीसरी चली गई, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये ऐसी चली गई, उसके बाद में ये ऐसी चली गई। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखे दोस्तों, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए ये पैनल का स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ गया। और ये है राइट हैंड साइड, मैंने बता दिया RIDHT राइट साइड। बस दोस्तों यही हमारा मेन पैनल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मदरबोर्ड से आने वाले LVDS कनेक्शन किस टाइप से होते हैं और वो पैनल में किस टाइप से वर्किंग करते हैं, हमारे स्केलर PCB का सर्किट कैसे होता है, यह आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, कमेंट्स करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करिए, मैं आपको एक बार और फिर से ड्रॉ करके अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। कंफर्म करेंगे कि कौन से साइड से हमारी CKV को कट करना है, लेकिन ये प्रैक्टिकल ही काम है दोस्तों, हमको ट्रैक कट करके देखना होता है। जरूरी नहीं कि हमने जिस साइड से कट किया उसी साइड से फॉल्ट निकलेगा, हो सकता है हमको फिर से उसको जोड़ना पड़े और दूसरे साइड से फिर कटिंग करना पड़े। तो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने इधर की जितनी भी हमारी VCOM CKV2 CKV B2 STVP VST ये 5 ट्रकों को हमने घिस लिया है, इसके ऊपर का जो पेंट है वो हमने निकाल दिया है, और इसके साथों साथ जो छोटी छोटे ट्रकें और दिख रही है आपको, देखिए 5 पॉइंट बोले तो 1, 2, 3, 4, 5, और इसके बीच की जो ट्रकें है उसको भी हमने घिस के पेंट निकाल दिया है। मतलब इधर की हमारी कितनी टोटल ट्रकें हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, वैसे डबल काउंट करे तो बात अलग हो जाती है, लेकिन ये करे ठीक है। इधर में भी देख सकते हैं, इधर में भी हम पहले CKV के 4 ट्रकें बोले थे, 1, 2, 3 और 4, तो अब हमको ये 4 ट्रक के साथ में और नीचे की ट्रकें मिल चुकी है जिसको हमने घिस के पेंट निकाल दिया है। वो इसलिए निकाला है दोस्तों कि ये ट्रकें इस साइड से सिग्नल इस साइड फ्लो होंगे, तो हमारे सिग्नल किस तरफ से बन रहा है हमको इस चीज का ध्यान रखना है। हमारी DC to DC IC इस तरफ है, तो हमारे पैनल में मुनासिब है कि हमारे इधर से ही सिग्नल आएंगे, इधर से पहले इस स्कोप पे आएंगे, इस साइड से आके फिर इस साइड जाएंगे, तो हमको ये हमेशा वॉच रखना है कि फर्स्ट टाइम कहाँ से सिग्नल आ रहे हैं, तो हमको उस तरफ चेक करना है। और हमने इसको चेक किया तो इसके कुछ ट्रैकों में शॉर्टिंग मिल चुकी है दोस्तों, इस साइड भी मिल रही है और इस साइड भी देखने को मिल रही है, लेकिन आप कटिंग किस तरफ से करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने ये ट्रैके को घिस लिया है और अब हम इन ट्रैकों के बीच की शॉर्टिंग को चेक कर रहे हैं। हमने ये पहले ट्रैक को और ये जो नीचे की एक ट्रैक है घिस के रखे, ये दोनों को जैसे ही अलग अलग प्रॉब रख के चेक किया तो हमारे को शॉर्टिंग यहाँ देखने को मिल रही है 98 ओम्स की, 200 की रेंज में रखा हुआ है दोस्तों मीटर, 200 ओम्स की, और देख सकते हैं यहाँ पे हमको 98 ओम्स की शॉर्टिंग देखने को मिल रही है ये दोनों ट्रके के बीच में। उसके बाद में फिर से हम प्रॉप को हटाएंगे, रेड वाला कहीं और शॉर्टिंग मिल रही है कि चेक करेंगे, तो मीटर पे तो कोई बजर नहीं बज रहा है, कोई ओम्स नहीं, 0L मतलब ओके है हमारी ट्रके। दूसरे को चेक करते हैं, तो हमको इस तरफ में तो ये दो ट्रैक के शॉर्ट देखने को मिल रही है, देखिए 98 ओम्स की शॉर्टिंग है ये दो ट्रैक, एक और ये दो। अब ये साइड लो, ये साइड में देखते हैं हम कहाँ कौन सी ट्रैक के शॉर्ट मिल रही है, देखिए 192 ओम्स दिखा रहा है यहाँ पे। बजर पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जैसे मैंने बताया आपको, ये सिग्नल ट्रैके जो नीचे नीचे की है, ये ऊपर की ट्रैके तो हमने
देख लिया, लेकिन ये जो नीचे के जो पॉइंट है, ये देखिए यहाँ से ये, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे कौन सा ट्रैक शॉट ये है, आपस में जुड़ी हुई है। देखिए ये ट्रैक आपस में जुड़ी हुई है, उसके बाद में फिर बड़ी वाली को चेक करते हैं हम। देखिए ये दूसरी ट्रैक, तीसरी को लेते हैं, ये देखिए, उसके बाद में चौथी, ये भी देखिए, देखिए पांचवी, ये सिक्स। कहने का मतलब यह है कि ये ट्रैक इधर से इधर में जुड़ी हुई है, मतलब हमारी दोनों तरफ से सिक्के हुई लाइनें गई है। अब यहाँ से आईसी हमारी इस तरफ लगी है तो सिग्नल पहले इधर आ रहे हैं, और ये दो ट्रैकों में हमारी 98 ओम्स की हमको जबरदस्त शॉर्टिंग देखने को मिल रही है। इसलिए हम सबसे पहले ये जो दो ट्रैकों में शॉर्टिंग देखने को मिल रही है, हम इसमें से एक ट्रैक को कट करेंगे, एक एक कट करके चेक करते चले जाएंगे। अगर इधर साइड से हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम दूसरे साइड से कटिंग करेंगे। तो एकदम शार्प तरीके से कटिंग करना है दोस्तों, हमको नीचे से कट करना है ताकि अगर हमको कभी शोल्डर करने की नौबत आई, ट्रैक इसलिए घस लेते हैं दोस्तों पहले ही कि शोल्डरिंग करने के लिए इजी होता है, ट्रैकों को घसोंगे नहीं। देखिए हमने एक ट्रैक को कट कर दिया है एकदम शार्प तरीके से, फिलहाल हमने इसको कट करके देख लिया और अब देखते हैं कि शॉर्टिंग हटती है क्या। पिक्चर एकदम नॉर्मल हो चुकी है, एकदम बढ़िया तरीके से पिक्चर चल रही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पंकज इलेक्ट्रॉनिक नागपुर को सब्सक्राइब करिए, और साथों साथ लाइक भी करिए दोस्तों, शेयर भी करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।